फ्रेंड्स वेलकम बैक। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी 11852 डॉट डॉट डॉट। यानी कि आपको चेक करना है कि -150 इसका टर्म है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि -150 इसका टर्म है, हम लोग ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, लेट -150 बी द टर्म ऑफ दिस एपी। मान के चल रहे हैं कि -150 इस एपी का टर्म है। ओके, अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन हो जाएगा, देखिए ए इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 माइनस 11 यानी कि बोलिएगा माइनस 3, और आपका AN जो है वो क्या हो जाएगा -150। ओके, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, N निकालना है। अगर N इंटीजर आया, ठीक है, इंटीजर मतलब समझ रहे हैं यानी कि नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, अगर इंटीजर आया तो ये टर्म है, होगा कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाकर के। लेकिन अगर इंटीजर के अलावा कोई भी नंबर एन आ गया यानी कि फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ गया, तो बोलेंगे वो जो टर्म है वो एपी का नहीं है। क्लियर, चलिए देख निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ओके, ए एन हमारे पास 150 है, 150 इज इक्वल टू ए हमारे पास 11 है, एन मालूम नहीं है, माइनस वन, डी हमारे पास माइनस 3 है। ओके, 150 इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 3 एन और माइनस माइनस प्लस 3। ओके, माइनस 150 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 11 और 3 14 हो गया, माइनस 3 एन। क्लियर है, चलिए अब यहां पे हम इधर सॉल्व कर देते हैं थोड़ा। माइनस 150 में इसको इधर कर दीजिए, माइनस 150 माइनस 14 इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस 3। ओके, चलिए ये हो जाएगा माइनस 164 इज इक्वल टू माइनस 3 एन, है ना, तो हो जाएगा 164 बाई 3 इज इक्वल टू एन। अब आप देख रहे हैं यहां पे जो एन है वो आपका इंटीजर नहीं आया है, इसका मतलब माइनस 150 जो है ना वो इस एपी का टर्म नहीं है। बस समझ गए बच्चों क्या करना है आपको, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको सिंपल क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि पहले मान लेना है कि ये जो नंबर है उस एपी का टर्म है, वहां से आप एन निकाल लीजिएगा। अगर एन आपका इंटीजर्स के अलावा कोई भी नंबर आ गया, यदि ये देख रहे फ्रैक्शन में आ गया ना, तो बोलेंगे ये जो नंबर है वो एपी का टर्म नहीं कहलाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 31st टर्म निकालना है, क्लियर है। और क्या दिया हुआ ये देखिए, दिया हुआ आपका है 11th टर्म इज 38 यानी कि 11th टर्म दिया हुआ आपका, उसके बाद 16th टर्म भी दिया हुआ है, और आपको पूछा है कि 31st टर्म बताइए, ठीक है, यानी कि 831 बताइए। देखिए कोई भी नंबर निकालना हो, अगर आपको पता हो ए और डी, अगर पता चल गया इस क्वेश्चन के लिए तो आप इजिली फाइंड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है यहाँ पे जो कंडीशन, ये दोनों को कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे और इस कंडीशन से हम लोग ए और डी को फाइंड करेंगे। ओके, अगर ए और डी हमारा फाइंड हो गया तो हम लोग इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखिए दिया हुआ है 11th टर्म इज 38 यानी कि क्या दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है ए 11 इज इक्वल टू 38, क्लियर है। आप ए 11 को अगर निकालना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस 10d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्लियर है ना, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इनटू d, तो n 11 है, 11 माइनस 1 10 यानी कि 10d आएगा, क्लियर। तो ये इक्वेशन को आप 1 मान लीजिए। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, 16th टर्म यानी कि क्या दिया हुआ है, a 16 इज इक्वल टू दिया हुआ 73, a 16 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a प्लस 15d, क्लियर है ना, किस तरह से लिख रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं ना, किन्हीं को दिक्कत हो रहा तो देख लीजिए। मान लीजिए आपको a 16 निकालना है तो आप क्या बोलिएगा, a प्लस n माइनस 1 यानी कि n आपका 16 हो जाएगा, 16 माइनस 1d यानी कि क्या हो जाएगा, a प्लस 15d। बात समझ रहे हो ना, तो हम लोग इस तरह से इसको करके सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और यहां से a और d को फाइंड कीजिए। देखिए a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है,
ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 38 है, सॉरी यहाँ 38 नहीं बल्कि ये 73 है। ओके चलिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिल जाएगा हम लोग को, देख लीजिए। देखिए ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38 है और यहां पे हमारा है ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। ठीक है, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज करेंगे, ये हो गया, ये देखिए कट जाएगा आपका, ये प्लस में और ये माइनस में खत्म, ये हो जाएगा माइनस 15 डी और ये 10 डी, क्या हो जाएगा 5 डी, माइनस 5 डी, और यहां पे देखिए क्या है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए 13 में से आपका 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बच जाएगा 5, यहाँ पे हो गया 6, 6 में से 3 गया आपका 3 हो गया। क्लियर, ये माइनस माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल टू हो गया 35/5, यानी कैंसिल कीजिएगा आएगा 7, यानी कि डी आपका कितना निकल गया 7 निकला, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया है 7। अब ये डी 7 निकल गया, आप इस इक्वेशन किसी में भी पुट कीजिए आपका ए निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देखिए ए प्लस 10 डी है ना, तो 10 × 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 38, यहां हो जाएगा ए इज इक्वल टू 38, इसको उधर लेके जाइएगा तो क्या हो गया 70, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 6 में से 3 गया 3, 32, यानी कि ए कितना निकल गया है माइनस 32 और डी आपका क्या निकल गया है 7। अब क्या करना है आपको, 31st टर्म निकालना है, जस्ट इसको क्या कीजिए पुट कर दीजिए। ओके, इसको नोट कीजिए फिर हम लोग रफ करेंगे। चलिए अब क्या कीजिए, आप निकाल लीजिए 31st टर्म, यानी कि ए 31 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 31 माइनस 1 डी, है ना, ए आपके पास पता चल चुका है कितना है माइनस 32 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 × और डी कितना है आपके पास 7 है। क्लियर, यहाँ पे ए 31 आप निकाल रहे हैं, ए 31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस कितना हो जाएगा 7 × 3 = 21, 210, ए 31 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास 8, ये हो जाएगा आपके पास 7 और ये हो जाएगा 1, यानी कि बोलिएगा ए 31 जो आएगा ना वो कितना आएगा 178 आएगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन हमारा देखिए कुछ ऐसा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी है जिससे 50 टर्म्स है, ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें से तीसरा वाला जो टर्म है ना वो आपका 12 है और लास्ट इज 106, जो लास्ट टर्म है वो 106 है, बोल रहा फाइंड द 29th टर्म, तो बताइए 29वां टर्म कितना होगा, बस समझ रहे ना। क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा है बच्चों, मान लीजिए A1, A2 और A3 जो है ना वो कितना दिया हुआ आपके पास 12, ठीक है, उसी तरह डॉट 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 चले जाइए। ठीक है, मान लीजिए आपका कितना है लास्ट टर्म 106 है, लास्ट टर्म दिया 106, क्वेश्चन कुछ इस तरह से समझ लीजिए आप, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये लास्ट टर्म एकदम है। अगर इससे पहले वाले एक टर्म अगर मैं बात करूं तो देखिए कुछ ऐसा बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ए 49, ओके बस समझ गए ना। अब आपको क्या करना है कि ए 29, यानी ए 29 निकालना है कि 29वां टर्म कितना होगा, तो देखिए बच्चों कोई भी टर्म निकालना हो हमें क्या पता होना चाहिए ए और डी, है ना, ए और डी नहीं पता अगर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए तो हम क्या इजिली निकाल लेंगे, तो ए और डी किससे निकलेगा, तो ये वाला जो दिया हुआ ना इससे और इससे हम लोग ए और डी इजिली फाइंड कर लेंगे। ओके, ये थर्ड टर्म है, यानी कि क्या दिया हुआ है, ए 3 दिया हुआ है 12, ए 3 को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये कैसे आया कोई दिक्कत तो नहीं ना है, देखिए ये समझिए बच्चों, आप बार बार इसको नहीं लिखिएगा ना, आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार अच्छे से, देखिए a 3 है यानी कि क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 डी होगा, यानी कि a प्लस क्या होगा 2 डी, ये आपको पता होना चाहिए, जितना भी टर्म होता है ना वो एक कम d आता है, जैसे कि यहाँ पे a 3 है तो a प्लस 2 डी आया, अगर a 5 रहता तो a प्लस 4 डी आता, अगर a 10 रहता तो a प्लस 9 डी आता, क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ये चीज को लिख सकते हैं, उसी तरह देखिए लास्ट टर्म बोला, लास्ट टर्म का मतलब कितना टर्म बोला, 50वां टर्म बोला क्योंकि इसमें 50 टर्म्स है। ओके, यानी कि ए 50 जो है वो दिया हुआ 106, क्या हमको हम लोग इसी तरह नहीं लिख सकते हैं ए प्लस 49 डी,
लिख सकते हैं ना, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। यहां पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों आपको, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहां से हम लोग a या फिर b को निकालने का कोशिश करेंगे। तो ये देखिए यहां साफ दिख रहा है कि a कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें। ओके चलिए लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या मिल जाएगा हम लोग को बच्चों। देखिए इक्वेशन 1 a प्लस 2d है इज इक्वल टू 12। यहां पे है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है, ये साइन चेंज हो गया। देखिए ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस 47d। अब यहां पे देखिए ये माइनस में ये प्लस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, ये हो जाएगा 10 में से 1 गया तो 94। क्लियर है। तो यहां से d क्या निकलेगा बच्चों, d इज इक्वल टू माइनस 94 डिवाइडेड बाय माइनस 47 है ना। अब देख सकते हैं दो बार में कट जाएगा, देखिए 7 2 14 1 और बोल सकते हैं कि 2 4 8 और 1 नहीं ठीक है ना। तो दो बार में ये देख रहे हैं कि ये कैंसल हो जा रहा है, यानी कि d इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो इस क्वेश्चन के लिए इस एपी के लिए कितना है d है। अब क्या कीजिए इस d को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं d को इक्वेशन 1 में ठीक है। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो a हमारे पास कितना है मालूम नहीं है, d हमारे पास कितना निकला 2 निकला 12। तो क्या हो जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 a इज इक्वल टू 8। तो a कितना निकल रहा है बच्चों 8 निकल रहा है और d कितना निकल रहा है 2 निकल रहा है। आपको क्या चाहिए 29th टर्म चाहिए, आप इजिली इसे आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। चलिए हमें चाहिए a 29। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n की जगह 29 माइनस 1 और d ठीक है। a हमें पता है 8 आया है, चलिए 8 प्लस यहां पे हो जाएगा 28 इंटू d हमें पता है 2 आया है, 2 कर दीजिए क्या हो गया 8 प्लस 28 2 जा क्या हो जाएगा 56 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 6 64, यानी कि a 29 कितना निकला बच्चों 64 आएगा, यानी कि 29वां टर्म इस AP का जो होगा वो 64 होगा। तो देखा बच्चों किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि हमें क्या करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी था है ना, तो ये थोड़ा सा 8 उसी के जैसा है और इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, यानी कि ए 3 दिया हुआ है आपका 4 और ए 9 दिया हुआ आपका -8 ठीक है, रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो बोल रहा है एपी में वो कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी बनाया, उसमें चेक करना था, अब इसमें क्या करना है पूछ रहा है कि 0 कौन सा टर्म में आएगा, यानी कि n कितना होने पे जो नंबर है वो 0 आ रहा आपका। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके सबसे पहले जो जो कंडीशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखिए थर्ड टर्म दिया हुआ यानी कि a 3 दिया हुआ आपके पास कितना है 4 है, तो a 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, बिल्कुल लिख सकते हैं कोई दिक्कत। उसके बाद 9 टर्म दिया हुआ यानी कि a 9 इज इक्वल टू दिया हुआ -8, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड हो गया। ओके हम लोग क्या करते हैं यहां से a या तो फिर d जो भी निकल रहा हो हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे a है और यहाँ भी a है, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजिली हम लोग क्या होगा a निकल जाएगा सॉरी d निकल जाएगा। जब d निकलेगा तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a निकल जाएगा। ओके चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या मिल जाएगा हम लोग को। देखिए यहां पे है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, यहां पे है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8,
अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये देखिए ये माइनस में और ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस सिक्स डी। यहाँ देखिए ये माइनस में है, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस में ये भी प्लस में, क्या हो जाएगा 12। ओके तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि d कितना आया आपका है माइनस 2 आया। ओके अब अगर d पता चल गया तो आप a निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप d को पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा देखिए a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a इज इक्वल टू हो गया 8। तो a कितना निकल रहा है बच्चों 8 निकल रहा है, बात समझे। d आपको पता चल चुका है माइनस 2, a पता चल चुका है 8। अब आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा टर्म ab का 0 आएगा। ओके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसे रफ करेंगे और देखेंगे फिर आगे किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो nth टर्म है ab का वो 0 आ रहा है ना, लेट nth टर्म ऑफ एन ab इज 0। ठीक है यानी कि an इज इक्वल टू 0 है। ओके चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, आपको ये n निकालना है। ओके तो an क्या है हमारा 0 है, अगर n इंटीजर में आया तो इसका मतलब होगा और नहीं आया तो नहीं होगा। वैसे इस क्वेश्चन में बोल दिया है विस्टर, यानी कि n आपका इंटीजर ही होने वाला है। ओके अगर चेक करने बोलता तो हम लोग देख लेते हैं वहां पे इंटीजर है या फिर इंटीजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे a कितना हमारे पास दिया हुआ है 8, n आपको निकालना है, d कितना आपके पास है माइनस 2, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2n और प्लस 2, 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2n, यानी कि माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2n। ठीक है अब यहां पे बोलिएगा माइनस 10 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू n, कैंसिल हो गया 5 बार, यानी कि n कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यानी कि आप बोलिएगा पांचवा टर्म 0 होगा, यानी कि a 5 अगर निकालिएगा तो वो टर्म क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है बच्चों, देखा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया हुआ था वहां से a और d को फाइंड किया, उसके बाद 0 बोल रहा था किस टर्म में आ रहा है, यानी कि an 0 आना चाहिए था, तो हम लोग क्या किए an इज इक्वल टू 0 कर लिए, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाए, n निकालना था, n हम लोग सॉल्व किए क्योंकि a और d पता चल चुका था, तो n हमारा क्लियरली निकल गया। द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी क्या बोला जा रहा है जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से बढ़ गया, कितना बढ़ा हुआ है 7 बढ़ा हुआ है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी कि आपको d निकालना है, बस समझ रहे हैं क्वेश्चन को, समझ गए। क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है कि जो a 10 है अगर उसमें हम लोग 7 ऐड कर दें तो बन जाएगा a 17, बस सिंपल बात, क्लियर है ना। चलिए तो क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, दिया हुआ है 10th टर्म और 17th टर्म के बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए अगर 10th टर्म बोला जा रहा है यानी कि a 10, तो a 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं a प्लस 9d, बस समझ रहे हैं, तो इसे इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। दूसरा बोला जा रहा 17th टर्म यानी कि a 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 16d, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, बस समझ रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगर हम इसमें 7 ऐड करते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है 7 का, दो तरीका से आप बोल सकते हैं इसे, आप ऐसा ही बोल सकते हैं a 17 माइनस a 10 इज इक्वल टू 7, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग अगर 7 ऐड करें तो हमारा मिल जाएगा a 17, दोनों तरीका से आप समझ सकते हैं, बात समझ गए बच्चों। चलिए तो क्या हम लोग किस तरह से बनाएंगे, चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या बोला गया तो हम लोग उसी को काम को कर रहे हैं, इसमें हम लोग 7 ऐड करते हैं। देखिए a प्लस 9d में अगर हम लोग 7 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस 16d, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है चलिए ये पूरा टर्म्स को उठा करके उधर कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 16d,
ये हो जाएगा माइनस ए और ये भी क्या हो जाएगा माइनस नाइन डी। क्लियर है? देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा देखिए सेवन इज इक्वल टू ये 16D और ये 9D, क्या हो जाएगा आपका 7D। तो देखिए 7 कैंसिल हो जाएगा, D क्या बचेगा 1, यानी कि इस क्वेश्चन का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो कितना आएगा 1 आएगा। और हमें देखिए कॉमन डिफरेंस ही पूछा था क्वेश्चन में। क्लियर है? तो क्वेश्चन समझ गया ना कितना इजी था। बस आपको आप बोल सकते हैं क्वेश्चन को आपको समझना है, स्टेटमेंट आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए रेगुलर अपडेट कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।